हेलो दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनेंगे वो है दुनिया के महान जादूगर मैंड्रेक की। मनुष्य जादू में हमेशा ही दिलचस्पी लेता आ रहा है, पर जब 20वीं सदी के एक ठग ने कई जादूगरों की करामातों से फायदा उठाने की कोशिश की तो जादूगरों के इंटरनेशनल मीटिंग में महान जादूगर मैंड्रेक ने ही उसके मंसूबे पर पानी फेरा। कैसे, आइए देखते हैं। अपराधी जादूगर, अपना खेल बंद करो, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। शुमार, बात क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ देर पहले इसने संग्रहालय से लाखों के कीमत के चित्र चुराए हैं। अगले दिन पुलिस चीफ के दफ्तर में जादूगरों का सम्मेलन शुरू होने के बाद यह दूसरी चोरी है। वो आ गए कैप्टन। मैंड्रेक, लोथार, तुम आ गए, बहुत अच्छा। आपका संदेश मिलते ही चले आए, जरूरी काम है। बहुत, बैठो, सारी बात बताता हूं। पहली चोरी हुई 4 दिन पहले। एक बड़ा सा पार्सल ब्राजील बैंक में रखा था। कहा था इसमें कीमती कलाकृतियां हैं, लेकिन दरअसल उसमें कुछ और था। उसमें एक चोर बंद था जिसका नाम है काला जादूगर। एक बात पूछूं, आपने यह क्यों कर जाना कि वह जादूगर है? क्योंकि माल थैलों में भरकर वह बैंक के लोहे के बंद तहखाने से निकल गया। यह कर्तव्य दुनिया में किसी को आता है तो जादूगर ब्रायन को। लेकिन जब हम उसे गिरफ्तार करने गए तो उसने अपने निर्दोष होने का पक्का सबूत पेश कर दिया। उस दिन उसके जादू के खेल की फिल्म रिकॉर्ड करी गई थी। 2 दिन बाद कई लोगों ने एक आदमी को हवा में लटके हुए रस्सी से म्यूजियम में जाते देखा। अंदर चौकीदार था। जादूगर ने बिना कुछ देखे उसे मार दिया और लाखों रुपए का एक चित्र लेकर चलता बना। अब समझे मैंने क्यों आपको बुलाया है? समझ गया, हवा में झूलते रस्से पर चढ़ने की तरकीब सिर्फ फकीर शुमार को आता है। उसके निर्दोष होने का भी ठोस सबूत है। हमने जादूगर को पकड़ने के लिए चाल की है, खबर फैलाई है कि आज रात हीरों का एक खजाना गाड़ी से जाएगा। उसी रात ठहरो, रास्ते में पत्थर पड़ा है। काले जादूगर ने हाथ साफ करना चाहा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। उफ, ये चाल है, पीछा करो। मैंड्रेक और लोथार ने चाल बिछाया था, गायब हो गया। पत्थर बन जाए, यह तरकीब एक ही आदमी की है? हां लोथार, रंगा रंग की, यानी काला जादूगर और 3 जादूगरों के गुप्त कर्तव्य जान गया है। बाद में मीटिंग है। मैंड्रेक, लोथार, परसों बाद मिले। यह है सम्मेलन के मैनेजर बोकासो। आपका नाम सुना है, बहुत सुना है। मीटिंग में अपना कुछ शो कीजिए। देखिए ब्रायन, कल घूमने चलो हमारे साथ। मैं और लोथार यहां घूमने फिरने आए हैं। चलेंगे मैंड्रेक, लेकिन मेरा खेल देख कर जाना, शायद सीख जाओ कुछ। इस पर शक हुआ है आपको? हाँ, जिन 3 के कर्तव्य काम में लाए गए हैं उनमें से ही एक काला जादूगर है। अगले दिन, बहुत बढ़िया जगह लाए हो मैंड्रेक, मैं तो कई दिनों से होटल से निकला ही नहीं।
अरे मैं एक चीज मोटर में भूल आया हूं, तुम चलो ब्रायन, हम अभी आते हैं। अचानक यह क्या जमीन धस रही है? आ, गजब, यह कहां गिर गया मैं? नाक गड्ढे में फंस गया इन यमदूतों के साथ। ब्रायन सपाट दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। निकलना मुमकिन नहीं, यहीं मरना पड़ेगा। घबराओ मत ब्रायन, सब ठीक है। तुम्हें परेशान करने के लिए दुख है मुझे, पर मुझे पता करना था कि कहीं तुम तो काला जादूगर नहीं हो। अगर तुम काला जादूगर होते तो शुमार की रस्से वाली तरकीब करके बाहर निकल आते। ठीक है मैंड्रेक, उसे पकड़वाने में मैं भी मदद करूंगा, उसने मेरे कर्तव्य भी चुराए हैं। ब्रायन उनके साथ हो गया, जो मैंड्रेक ने कहा वही उसने किया। शुमार, आग लगी है, जल्दी भागो यहां से। घबराहट फैली, फकीर की लपटे ही लपटे दिखने लगी। उसने ब्रायन के पीछे पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन क्या ब्रायन का कर तभी पिंजरा गिरने से ताला भी बंद हो गया। बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूं। अचानक, अरे मैं तो अपने कमरे में ही हूं मैंड्रेक, जादू से ऐसा डरावना मजाक भी करना करता है क्या कोई? मजाक नहीं था शुमार, ब्रायन की तरह तुम्हें भी निर्दोष साबित करने के लिए यह भयानक तरकीब करनी पड़ी। मैंड्रेक ने तुरंत उसे काले जादूगर के बारे में सब कुछ बता दिया। तब तो रंगारंग ही यह बदमाश होगा। लगता तो ऐसा ही है। उस रात जब रंगारंग होटल से निकलकर सड़क पर आया, ए, यह क्या बदमाशी है? तेजी के साथ पहाड़ी पर चढ़कर गाड़ी रुकी। नीचे शहर चकमक चकमक कर रहा था। यहां क्यों लाए हो मुझे, बताओ तो सही। एक शब्द बोले बिना उन्होंने रंगारंग को लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में सुराख बने हुए थे। मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। बॉक्स को रस्से से अधर में लटका कर दोनों वहां से चल दिए। अरे रस्सा टूट जाएगा, बॉक्स गिर पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। सब ठीक है रंगारंग, डरावना सपना था वह, तुम अपने कमरे में ही हो। हाँ, लेकिन क्यों, आखिर क्यों? मैंड्रेक आदि बातें कर रहे थे कि अचानक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। नमस्कार दोस्तों। काला जादूगर, खूब पहचाना, तुमने तमाशे बहुत दिखाए मैंड्रेक, लेकिन अब खेल खत्म। अब होशियारी मत दिखाना, अगर मैं एक घंटे में यहां से सही सलामत ना निकला तो लोथार को कुछ हो जाएगा। धमकी मत दो। पता नहीं, लेकिन लोथार लौटा नहीं, उसकी खोज खबर किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कौन हो, इरादा क्या है तुम्हारा? नाम तुमने तो जो रखा है वो ठीक है, मैं बता दूंगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मैं तुम्हारे कर्तव्य भी अपनाना चाहता था मैंड्रेक, लेकिन फिलहाल कामयाब नहीं हुआ। इस असफलता की कीमत है तुम्हारी जान। तुम पागल हो, कुछ भी कहो, तुम्हें जल्द ही मेरा सिक्का मानना पड़ेगा। नमस्कार। इसका पीछा करोगे मैंड्रेक, क्या ख्याल है? नहीं, क्योंकि उसका ख्याल है मैं पीछा करूंगा, मैं पहचान गया हूं इसे, इसके पहले मैं इसके ठिकाने पर जा पहुंचूंगा। मैंड्रेक शहर की खूनी सड़क पर उसी स्थान को चल दिया जहां उसने दिन में लोथार को भेजा था। मेरा अनुमान सही था, पागल जादूगर ने लोथार का कुछ बिगाड़ा होगा तो दवा से बेहोश ही किया है और कुछ नहीं। तार कुर्सी और दरवाजे के हैंडल से जुड़े हैं,
बिजली से हम दोनों को मारने की तरकीब। कोई आ रहा है। काले जादूगर ने कमरे में आते ही बटन दबाया जिससे तारों में बिजली दौड़ने लगी। मैंड्रेक पीछे पीछे आता होगा। दरवाजे का हैंडल छूते ही उसे वह झटका लगेगा कि बस यह तरकीब नहीं चलेगी जादूगर साहब। वो क्या, कोई भी तरकीब अब काम नहीं करेगी। मैंड्रेक तुम कैसे? काले जादूगर ने भागने की कोशिश में अपनी ही मौत बुला ली। हैंडल को मत छूना, भूल गए तुम? अपने लगाए बिजली के तार भूल गया था वो। नकाब उतर गया। यह तो बुवासो साहब है, मर गए क्या? हाँ, किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें हटाकर कुर्सी पर तुम्हारी जैसी मूर्ति रख दी थी उसे दिखाने के लिए। आपको सम्मेलन में मैनेजर बुवासो के बारे में कैसे पता चला? सब जादूगरों के कर्तव्य सीखने का मौका सिर्फ इसको था। मुझे यह भी पता चल गया था कि यह खुद जादूगर बनना चाहता था। चलो लोथार, इस सुंदर नगर को घूम फिर कर देखें।